लॉर्ड कृष्णानमन, लॉर्ड कृष्णानमन टू ऑल ऑफ यू माय ऑल स्वीट डियर फ्रेंड्स, प्यारे विद्यार्थियों। पहले की वीडियो में हो सकता है लाइट जलने की वजह से आपको थोड़ा सा वर्ड्स क्लियर ना हुए हो, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार आपको दोबारा से दोनों सिचुएशन समझा दूँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ऐसा करते हैं, एक साइड में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ लेंगे और एक साइड में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इधर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। वैसे हमने डिवाइड कर दिया दूसरे पार्ट में और इसे हम पढ़ लेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ, ओके। तो बहुत कुछ पहले आप सीख चुके हैं, जैसे कि जब कोई ये आ रही है तो इसे हम क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे। और कहाँ पे आके टकराएगी, ई आके टकराएगी हमारे प्रिंसिपल अक्ष से, मुख्य अक्ष, ठीक है। तो जैसे ही टकराएगी क्या क्या पैदा हो जाएगा, जल्दी बताओ। यहाँ पैदा हो जाएगा नॉर्मल। और मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आपका जो मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये एक तरह से पेंट होगा। कैसा होगा, पेंट होगा। तो ये दूसरे मीडियम में नहीं जा सकती, ये पेंट किसी से भी हो सकता है ना। जैसे ज्यादातर मैंने देखा है पोटेशियम परमैंगनेट का भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये पेंट है, तो आने वाली रे को कहेंगे इंसिडेंट रे। क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे आपतित किरण, ठीक है। आने वाली रे को क्या कहते हैं, आपतित किरण, इंसिडेंट रे, ठीक है। और यहाँ पर जो ये नॉर्मल पैदा करती है इसे कहते हैं इंसिडेंट एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब ये दूसरे मीडियम में इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि आपने ये क्या किया हुआ है, इसे पेंट किया हुआ है। तो जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम से ये वापस चली जाएगी, इसे कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे अपवर्तित किरण। और यहाँ पर जो ये एंगल बनेगा इसे कहेंगे एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो When any ray comes from sun and fall on any shining surface, they create normal, ठीक है, and ray completely bounce back। तो यहाँ पे ray जो आई थी वो पूरी तरह से bounce back हो जाएगी, ये दूसरे medium में enter नहीं करेगी, ठीक है student। तो reflection में आपको ये देखना है कि केवल एक medium का use होता है। अब medium हमने आपको कितने तरह के बताए, हमने आपको दो तरह के medium बताए, rare और दूसरा बताया है denser। रेयर में आएगा आपका एयर का मीडियम और डेंसर में आ जाएंगे आपके ऑयल, ग्लास, वाटर, ये तीन मीडियम आ जाएंगे। और ये अगर कोई ट्रांसपेरेंट है तो उसे भी आप अपने हिसाब से जोड़ लीजिए, ठीक है। तो डेंसर का मतलब हो गया सघन माध्यम, कौन सा माध्यम, सघन। और ये है विरल माध्यम, कौन सा माध्यम है, विरल। ये विरल मीडियम है, ये सघन मीडियम है। तो स्पेशली अभी हम एयर का यूज कर रहे हैं, एयर में ले रहे हैं, तो हमने ये ले लिया रेयर मीडियम, कौन सा मीडियम ले लिया, रेयर मीडियम, हमारे पी आई यूवर के आई के, ठीक है, मीडियम, ठीक है। तो हमने रेयर मीडियम ले लिया, आने वाली इंसिडेंट रे, जाने वाली रिफ्लेक्टिव रे, आने वाला एंगल से जो एंगल बना एंगल आई, और यहां पर जो एंगल बना एंगल आर, ठीक है। तो ये था आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम बात करेंगे यहां पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपके सिलेबस में नहीं है, पहले ही मैंने बोला था सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा। एक मिनट देखो क्या फर्क पड़ता है, जैसे कोई रे आ रही है तो आने वाली रे, और ये आपका मान लिया प्रिंसिपल एक्सिस है, तो आने वाली रे जब यहां पे टकराएगी आपका और जैसे ही टकराएगी तो हम क्या पैदा कर देगी, क्या क्रिएट कर देगी, नॉर्मल क्रिएट कर देगी। देखो आने वाली रे ने क्या पैदा कर दिया, नॉर्मल पैदा कर दिया। अब इसका तो ये यहाँ पर ये पेंटिंग नहीं है, ठीक है। तो रे को सीधा जाना चाहिए, आप जानते हैं कि रे ट्रेवलिंग स्ट्रेट लाइन, तो सीधा जाना चाहिए रे को, यहाँ पर देखो सीधा जाना चाहिए था। लेकिन रे सीधी नहीं जाती है, रे सीधी नहीं जाती है, या तो ये नॉर्मल के पास आती है या तो नॉर्मल से दूर जाती है। यदि पहला मीडियम एयर का है, पहला मीडियम एयर का है, रेयर मीडियम है,
पहला मीडियम यदि एयर का है और दूसरा मीडियम यदि डेंसर है, डेंसर मीडियम, और डेंसर मीडियम में आपको बताया था, चलो मैं ग्लास ग्लास का मीडियम मान लेता हूं, ग्लास में तो डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो जब ये आने वाली इंसिडेंट रे, ये आने वाली कौन सी रे है, इंसिडेंट रे, यहां पर जो एंगल बनाएगा उसे कहेंगे इंसिडेंस ऑफ एंगल आई। अब अगर ऊपर वाली रे रेड है, नीचे वाली डेंसर है, तो सीधी सी बात है कि रे जो है नॉर्मल के पास आएगी, और जब नॉर्मल के पास आएगी तो यहां पर एंगल बनेगा आर, इसे कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये अपवर्तित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर दो सिचुएशन आपको देखने को मिलेंगी, यदि ऊपर रेडर का है नीचे डेंसर है तो ये रे नॉर्मल के पास आएगी। और उल्टा करते हैं, यदि मान लिया ये आपका कोई प्रिंसिपल एक्सिस है और ये कोई रे आई, और रे आपने यहाँ पर क्या क्रिएट किया, नॉर्मल क्रिएट किया, लेकिन ऊपर मीडियम है डेंसर एरिया, कौन सा मीडियम एरिया, डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम एरिया, डेंसर मीडियम एरिया, नीचे हमने रेयर मीडियम एरिया। तो अब नॉर्मल इसे तो सीधा जाना चाहिए, लेकिन रे अब क्या करेगी, अगर ऊपर डेंसर है नीचे रेयर है, तो ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी, यानी कि इस तरह से चली जाएगी, ठीक है। तो यहां पर जो ये एंगल बनेगा, ये हो जाएगा एंगल आई, और ये बहुत बड़ा एंगल आर। आपने देखा होगा कभी-कभी स्विमिंग पूल में जाते हो ना, तो आपको वो बहुत उसकी तली बहुत ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, जब कहीं पेंसिल डाल देते हो किसी भरे हुए बाल्टी में, तो आपको ऐसा लगता है कि पेंसिल बहुत छोटी हो गई है ना। ये बहुत सारे दैनिक जीवन में आपको एग्जांपल देखने को मिलेंगे। तो आपको यही समझना है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में दो मीडियम का यूज होगा, यदि ऊपर एयर का है नीचे डेंसर है तो ये नॉर्मल के लिए पास आ जाएगी, यदि ऊपर डेंसर है नीचे एयर है तो ये नॉर्मल से दूर चली जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसमें स्नेल्स लॉ के बारे में मैंने आपको बताया, स्नेल लॉ क्या होता है, स्नेल्स लॉ जो है कहीं ना कहीं आई अपॉन आर बराबर एम होता है, ठीक है स्टूडेंट। देखो स्नेल्स लॉ, ठीक है, स्नेल्स लॉ क्या होता है, देखो आई अपॉन आर बराबर एम है ना। अब आई अपॉन आर बराबर एम, एन यहां पे अपवर्तनांक है, ठीक है। तो यहां पर हम ये बड़े लेंसों के लिए हम बात करें, अगर हम बात करें छोटे लेंसों के बारे में तो हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर बराबर एन, ठीक है। आपको इतना याद रखना स्नेल्स लॉ, ये 9th-10th में होगा, बस आपके दिमाग में रहना चाहिए कि हाँ होता है, ठीक है। तो ये आपने सिचुएशन अगर समझ ली है तो ये जब हम रे डायग्राम पढ़ेंगे तो हमें काफी हेल्प मिलेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।